हेलो दोस्तों, आज मैं आपको IVY जनरेटर के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ गूगल पे सर्च कर रखा है। मैंने अभी गूगल पे सर्च कर रखा है IVY जनरेटर फॉर 3ds मैक्स। ये आप देख सकते हैं, मैं आज के इसके ये एक प्लगइन है। इस प्लगइन का क्या बेनिफिट क्या है इस प्लगइन से, ये सब चीज़ें आज मैं क्लियर करूँगा कि IVY जनरेटर किस पर्पज़ से दिया गया है, इसका पर्पस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम इसे 3ds मैक्स में यूज करेंगे। तो ये देख ले सकते हैं आप, 18-19 हर वर्जन के लिए, 2010 से लेके 2019 तक हर वर्जन के लिए आपको IVY जनरेटर मिलता है। एंड इसके आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या पर्पस है, इसका क्या यूज है। इस तरह से आप अगर कुछ मॉडल बनाते हैं देन IVY जनरेटर के थ्रू इस तरह आप उसके ऊपर जंगल वगैरह जो झाड़ वगैरह होते हैं उस तरह के इफेक्ट लाने के लिए ये आप IVY जनरेटर का यूज कर सकते हैं। और ये साइट है जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं IVY जनरेटर। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, खम्भों पे या इस तरह से जंगल जो बने होते हैं, झाड़ वगैरह बने होते हैं, इसका आप यूज कर सकते हो IVY जनरेटर के थ्रू। एंड इसको डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये साइट है guruware.at। इतना इस साइट से आप जाओगे, यहाँ नीचे में ये साइट पे IVY जनरेटर 2010 से 2018 ये क्लिक करोगे डाउनलोड, आपका IVY जनरेटर डाउनलोड हो जाएगा। एक ये साइट है, मैं अलग अलग साइट बताता हूँ। यहाँ पे भी जाओगे तो ये IVY जनरेटर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्पल के लिए, विंडो के लिए, ये इस तरह से हर वर्जन उस पर चलने के लिए अलग अलग आप IVY जनरेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि IVY जनरेटर के थ्रू कैसे कैसे इफेक्ट्स आप बना सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हो कैसे कैसे हम IVY जनरेटर के थ्रू और क्या क्या बना सकते हैं। एंड ये आपका इस तरह से वही कुछ आप यूज कर सकते हो। ये एक अलग साइट है IVY जनरेटर फोरम्स autodesk.com पे आप ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके थ्रू आप यहाँ से इस साइट से जाकर और आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ आप ये देख सकते हैं कैसा इफेक्ट बनाना है, ये चीज़ें हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस प्लगइन को, ये दो डाउनलोड के लिए, जीप एंड के लिए डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपका जीप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ लोगों का कमेंट्स आप देख सकते हो, कैसा क्या रिप्लाई वगैरह करना है वो कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये अलग अलग साइट हैं जहाँ से आप guruware के थ्रू कर सकते हो। तो ये अलग अलग साइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको जैसे इफेक्ट देखना है कि कैसा कैसा इफेक्ट इसके अंदर बनता है, हम क्या क्या बना सकते हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ें देखने के लिए आप ये इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके अलग विंडो में खोलोगे, ये देखोगे आप ऐसे ऐसा कुछ बना सकते हो, ऐसा कुछ इफेक्ट बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये इफेक्ट वगैरह बनाने के लिए ये guruware का यूज किया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हो पेड़ के ऊपर ये कैसे जंगल बना हुआ है, झाड़ बना हुआ है। तो ये चीज़ें आप बना सकते हो guruware के थ्रू। ऐसा कुछ इफेक्ट भी बना सकते हो, कुछ क्रिएटिव बनाना है मॉडल जिसमें फेस है और उसके हेयर्स इस तरह से हो, लक्कड़ जैसे निकले हो पतले पतले से, तो इस तरह के इफेक्ट्स बनाने के लिए आप guruware का ये IVY जनरेटर यूज कर सकते हो। सो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आप इफेक्ट यूज कर सकते हो guruware के थ्रू। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसे मैंने इधर डाउनलोड कर रखा है, ये आप देख सकते हैं 2010 से इधर 2018 अलग अलग वर्जन है। 2018 से 2010 तक का ये सारे वर्जन इसके अंदर आ जाते हैं। आप देखोगे GW IVY ना 3ds मैक्स guruware, इसमें मैं गया, ये सारे वर्जन्स है इसमें। अभी मुझे 2012 में मैं यूज करने वाला हूँ, 2019 एंड 2012 मेरे में अभी इंस्टॉल है। मैंने अभी 19 के लिए नहीं किया है, तो मैं 2012 में इसे यूज करूँगा। जो 2012 में खोला इसके अंदर
अभी एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि 2013 2014 2010 से 2013 के बीच में आपको अलग अलग ये उसके लिए आते हैं 30 बिट के लिए, 32 बिट या 64 बिट इसके लिए। ये तीन वर्जन्स में 2010 से 2013 तक के वर्जन में, चार वर्जन में वो होता है अलग अलग। बट आपको जैसे ही 14 से आप स्टार्ट करते हो तो सिंगल आपको इसके लिए एक प्लगइन है इसे इंस्टॉल करना है एंड आपको यूज करना है। इसमें फिर बिट का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है कि किस 32 बिट में यूज करने के लिए अलग एंड 42 बिट के लिए अलग, तो ऐसा कुछ नहीं रह जाता है इसमें। सो 32 बिट के लिए अलग और 42 बिट के लिए अलग, ये चीज़ें बस 2013 तक है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। 14 से आप सिंगल सिंगल होते हैं। तो अभी मैं 2012 यूज करके बताता हूँ कैसे यूज करना है इसे। 64 बिट में गया मैं एंड जो ये है इसे मुझे मेरे मैक्स फाइल के अंदर राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन पे जाने के बाद प्लगइन्स के अंदर आप जाओगे ऐसे एंड यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने इसे कॉपी कर लिया एंड देन इधर प्लगइन्स के अंदर विंडोज 2012 प्लगइन्स के अंदर यहाँ आप इसे पेस्ट कर दोगे कंटिन्यू। ठीक है, पेस्ट कर दिया, इसे बंद कर दो एंड उसके बाद आप ना 3D ओपन करो। सेल यूज कर लिया। ऐसा कुछ आप क्रिएट कर सकते हो एंड अब हमें इस पे टेक्सचर यूज करना है, जो कि अभी टेक्सचर आपको दिख नहीं रहा है। तो आप इस पे से क्लिक करके यहाँ पहले इसे आप कॉल करा लोगे सेटिंग में, देन यहाँ पे आप जाओगे एंड ये जो हमारा है इसमें यहाँ पे टेक्सचर्स हैं। आप डायरेक्ट टेक्चर भी कॉल करा सकते हो एंड आप इन दोनों के थ्रू भी आप कॉल करा के टेक्चर अपना ऐड कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल
एंड पहले तो मुझे टेक्सचर चाहिए स्टैंडर्ड टेक्सचर्स में मुझे ये वाला टेक्सचर चाहिए जो इस पे यहाँ दिखे सिटी में आई वी वाई ओ भी जैसे मैंने डी यूज किया वैसे ही आपको आई वी वाई ओ मतलब ओपेसिटी तो इस तरह से आपका ये टेक्सचर यहाँ आ जाएगा। एंड देन जब इसमें आप पीछे की तरफ जाओगे तो देखोगे सारे शेडर में ये कॉल हो चुका है। एंड इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप जैसे इसके अंदर ओपेसिटी में डालना है कुछ भी तो डायरेक्ट टेक्सचर के अंदर भी आप जा सकते हो, ये टेक्सचर रहा और यहाँ से आप जो भी टेक्सचर है डायरेक्ट कॉल करा सकते हो। अभी आप ये पत्ती का यूज करना है, इसके अलावा कोई और टेक्सचर यूज करना है, ये टेक्सचर यूज करना है, ऐसा कुछ यूज करना है, तो आपको जो मर्जी वो टेक्सचर आप यूज कर सकते हो। एंड ऐसा जैसे पत्ती या निकल के शेल्स सिर्फ बचे होते हैं इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये है इसमें जितने भी टेक्सचर होते हैं उसको आप इस तरह से ओपेसिटी एंड टेक्सचर को यूज करके आप ऐसा कुछ बना सकते हो। तो ये हमारा ऐसा तरह से आप ये यूज कर सकते हो टेक्सचर। एंड अब इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है, ये तो आपने एक यूज बना लिया, एक मैं इस वॉल पे भी बनाता हूं। Then
ये इस तरह से आप IVI के थ्रू काफ़ी कुछ बना सकते हो। अब एक तो ये बेसिक हो गया कि हाँ ऐसा कुछ करके हम इस तरह बना सकते हैं IVI के थ्रू। अब जैसे एक मैं स्फीयर ले लूँ ऐसा, और इसे मैं यहाँ पे अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर IVI पे बहुत सारे आप टूल्स भी देख रहे थे, जैसे अभी मैं फिर से जाता हूँ गुरुवेयर IVI। अब मुझे इस बॉल के ऊपर इसके यूज क्या क्या हैं इसमें, जैसे अब इसमें आप गुरुवेयर में देखोगे इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, तो जैसे ये है ग्रो साइज, अब वेक्टर, प्रिमिटिव वेट, रैंडम वेट, ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी को अगर 1 हमने रखा है तो जैसे वो इनके पत्तियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे ही हम ग्रेविटी को 0 कर देंगे तो ग्रेविटी के 0 होगा तो वो ग्रो कर नहीं पाएगा ऊपर की तरफ, वो जो आप इसकी ग्रोइंग देख रहे हो ये हो नहीं पाएगा, ये नीचे नीचे रहेगा एंड नीचे की तरह डाउन में ही चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये है एडिशन, डिस्टेंस, बेंचिंग, कैसे बेंचिंग कितने निकालने हैं इसके पार्ट्स, ये सब इसके ऑप्शंस हैं इसमें बहुत सारे, जो कि आप भी अब जब इसे यूज करोगे IVI जनरेटर तो ये चीज़ें आप यूज कर सकते हो। सीड है, थ्रेड है, साइज है, मेश का साइज, जैसे ये मेश का साइज अब अभी मैं जनरेट करता हूँ फिर बताता हूँ मेश का साइज आप ज़्यादा कम कैसे करोगे। टेक्सचर है, इसमें आप टेक्सचर को जैसे ये लीफ है अलग अलग टेक्सचर्स है, तो किसी को बड़े करना है, किसी को छोटे करना है, वेरिएशन रखना है टेक्सचर्स में तो उसके लिए, एंड टेक्सचर्स के वेरिएशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। देन यहाँ से आप टेक्सचर का वेरिएशन यूज कर सकते हो। प्रेसेट है लीफ के लिए है, यहाँ पे आप एडिंग वगैरह करना, व्यू रेंडर, टेक्सचर, तो ये चीज़ें हैं आप मेश, आप इसके इसको टूल्स को यूज करके आप अलग अलग, अभी जैसे मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जनरेट किया IVI जनरेटर से, तो देखो आप कैसे जाएगा ये, ये ऐसा कुछ जनरेट हो गया, कहीं भी कोई भी इसकी इसका जो कोई भी पत्ती है इसमें वो कहीं भी जा रहा है, कोई उसका कहीं भी जान रहा इस तरह से, कोई भी इसकी जो लीफ है जो इसके वो कहीं भी जा रहे हैं, मैं कहीं भी जनरेट हो रहा है। बट अगर मैं इसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका प्रॉपर स्टार्टिंग में ये पहले जो इसके नीचे का जो बेस है उस पर ये राउंड शेप में जाए देन ऊपर की तरफ जाए, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उस तरह से इसको मॉडल करना पड़ेगा। पहले इस तरह से मैं जाया गया, कॉर्नर पे इसे रखा, एंड देन जो आप आदेशन करके ये ऑप्शन देख रहे हो इसको आप 1 है, 0.1 है तो आप इसे 1 करो। अब आप देखो क्या होता है, आप जैसे ही 1 करोगे देन आप देखो क्या होगा, ये देखो आप इसके कॉर्नर्स पे ये जनरेट होना चालू हो गया। देखो आप इसे देखोगे इसे कॉर्नर्स पे स्फीयर के चालू हो चुका है जनरेट होना। अभी मैं देखता हूँ कहाँ तक जनरेट हो गया, पूरे पे हो चुका है, अब ये पूरे पे जनरेट हो चुका है। देन मैं अभी से पॉज करता हूँ, ये देखोगे आप इसके हर तरफ राउंड में
नीचे नीचे ही ऐसे ये जनरेट हो रखा है। अब इसी चीज को मैं 0.1 फिर से कर देता हूं, देन आप देखो क्या होगा जनरेट। अब देखो आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर तरफ ये चीज जा रहा है ऐसा कुछ। ऐसा कुछ अभी मैं इसमें कुछ और चीजें बताता हूं आपको। पहले तो एक प्लेन ले लेता हूं। अभी इसी में आप देख रहे हो कि ये पहले तो मैंने नीचे जनरेट किया, देन ये जब मैंने उसे कम किया तो ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। अब इसी में मैं एक और ऑप्शन बताता हूं, उसके बाद बाकी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक ऑप्शन और आपको कुछ करके बताता हूं। इसी चीज के अंदर आप फिर से मैं ग्रूवेयर पे गया, अब मैं फिर से आप देखोगे इसे मैं 1 कर दिया एंड ग्रो करता हूं। फिर से ये इसके देखो देखो कॉर्नर्स पे आप फिर से जनरेट हो रहा है, जो कि नीचे नीचे मैं चाहता हूं सिर्फ कॉर्नर्स पे एक लाइन बन जाए, तो वो हो चुका। अब वो मैं इसे पॉज करता हूं, ये आप देखोगे कॉर्नर्स पे जनरेट हो गया। देन अभी मैंने क्या किया था कि इसे सिर्फ 0.1 करके और मैंने जनरेट कर दिया था, जो कि अब मैं नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ऐसा इफेक्ट आ जाएगा जो आप अभी देख रहे हो, ये चीज ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा, तो वो नहीं करना है मुझे। अप वेक्टर करना है, मतलब जो इसके डालियां हैं वो ऊपर की तरफ जाए, न कि नीचे बिखरे, ऊपर ऊपर जाए। तो इस चीज को मैं 0.2 की जगह पे 1 कर देता हूं। अब आप देखोगे क्या होगा। अब आप देखोगे इसकी जितनी भी डालियां हैं वो ऊपर जा रही हैं, अपर साइड में जा रही है, वो नीचे की तरफ जा ही नहीं रही। तो ये चीजें हैं अभी, ये सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें ये नीचे गया ही नहीं। तो ये चीजें हैं अलग अलग इसके अलग अलग इसके फायदे हैं, जो इसके टूल्स दिए गए हैं, इसके थ्रू आप अपने डिजाइनिंग कर सकते हो, जिस शेप में जैसा आपको, जिस शेप में जनरेट करना है, जिस तरह जनरेट करना है, तो आप उस तरह से आप जनरेट कर सकते हो इस IVI के थ्रू। तो आज आप जान गए हो IVI जनरेटर के थ्रू कैसे डिजाइनिंग करना है, कैसे आप फूल पत्तियाँ ये झाड़ वगैरह जनरेट कर सकते हैं, अपने एक्सटीरियर पार्ट हो, इंटीरियर में आप दिखा रखना चाहते हो, या कहीं भी आप डिज़ाइनिंग पार्ट में कहीं भी इसे यूज कर सकते हो। तो आप ये एक दो चीज़ें और मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे एक मैं टी पॉट लेता हूं,
ये हमारा टीपॉट है। अब मैं चाहता हूँ कि इस टीपॉट में जो भी मैं जनरेट करूँ मुझे टॉप से बुक करना है, यहां से तो अभी यहां डिफॉल्ट हो चुका है सब कुछ। अब कैसे कर सकते हैं एक बार नॉर्मल करके देखते हैं क्या होता क्या है। ये आप देखोगे अपने आप ही ये कुछ हुआ भी और ख़त्म भी हो गया, बंद ही हो गया, मतलब कुछ खास कुछ बन नहीं पाया, कुछ भी जनरेट हो नहीं पाया। तो इसे मैं मेश में कन्वर्ट कर दूँ। फिर से आई वी वाई अब मैं क्या करूंगा इसमें .01 अप वेक्टर एंड देन करके देखो। क्योंकि पहले अप वेक्टर ज्यादा था तो वो ऊपर की तरफ जाने के उसके चांसेस थे, बट जैसे ही मैंने अब वेक्टर कम कर दिया, काफ़ी कम कर दिया 0.01, देन वो नीचे की तरफ और उसे चीज़ों को सेप में लेकर जनरेट कर रहा है। ये चीज ऐसा कुछ इसने जनरेट कर दिया। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हमने इसका यूज करके और IVY के थ्रू इतने सारे चीज़ें बनाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी IVY के थ्रू क्या क्या जनरेट कर सकते हैं और भी कैसे कैसे मॉडल्स बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था कि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ये है इस तरह से मैं अभी तो ये एक स्क्वायर में कुछ बॉल की तरह कुछ बना हुआ है शेप में, बट ऐसा मैं कैरेक्टर के साथ भी कर सकता हूँ, किसी भी 3D मॉडल के साथ, ह्यूमन मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो उसके साथ, उसे भी मैं इस चीज़ से बना सकता हूँ। तो ऐसा कुछ क्रिएटिव चीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। आज आपने इसके बारे में जाना कि हाँ IVY जनरेटर क्या होता है और इसका क्या क्या यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।